अच्छा जी, ये बेसिकली वही पेपर है जिसको हमने स्टार्ट किया था। इसका पार्ट वन जो है इस पेपर का मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था एक वीडियो बना के। ये पेपर AM फिजिक्स का है, कैरियर जॉब्स 1737 नस्कॉम के लिए ये पेपर जो है पूछा गया था, और 24/2/2021 को जो है ये टेस्ट जो है कंडक्ट कराया गया था। तो इस पेपर के पहले 5 क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए थे और बड़ा डिटेल सॉल्यूशन उसका हमने डिस्कस किया था। तो आज हम इस पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करके इस पेपर को एंड कर लेते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि और दोस्तों को भी फायदा हो सके। और चलिए वीडियो का आगाज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस पेपर का है, टू सैटेलाइट्स ऑफ मास m एंड 2m आर रिवॉल्विंग इन टू सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियाई r एंड 2r अराउंड एन इमेजिनरी प्लेनेट ऑन द सर्फेस ऑफ विद ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर। ये तो कूलम लॉ है, हम पता है, रेशियो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। दो सैटेलाइट्स ये मैंने दिखा भी दी, एक का मास m दूसरे का मास 2m। जिसका मास m है उसका रेडियस r है, जिस सैटेलाइट का मास 2m है उसका रेडियस 2r है। ठीक है, दो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं और उसने बताया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के उनके सेंटर से, और इन सैटेलाइट के जो ऑर्बिटल स्पीड की रेशियो है वो उसने हमसे पूछी है, मतलब v1:v2 उसने हमसे पूछी हुई है। हम पता है कोई भी चीज जब सर्कल में मूव कर रही होती है तो सेंट्रिपिटल फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होती है उसे सेंटर में घुमाने के लिए। मैं लिख दी है mv²r। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं v² लिखना चाहूँ तो ये v² इधर रहने दे, r उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो fr/m बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये सपोज v1 कह लेते हैं क्योंकि दो डिफरेंट सेटेलाइट्स हैं हमारे पास मैसेज और रेडियाई में, तो v1 हमारे पास एक सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो fr/m, ये अंडर रूट कर दिया जब यहाँ से स्केयर खत्म हुआ। इस तरह जो दूसरा सैटेलाइट है उसके लिए भी सेम यही ऑर्बिटल स्पीड होगी, जस्ट यहाँ पे r। अब जाहिर है दूसरा जो सैटेलाइट है उसका रेडियस हमें गिवन है वो कितना है, 2r है और मास भी 2m है। तो ये फार्मूले में r की जगह 2r और मास की जगह 2m यूज कर लिया, 2 2 से कटेगा तो उससे दोबारा फिर वही fr/m आ जाएगा। और ये हमारे पास एक ऑर्बिटल स्पीड की हमारे पास स्पीड आ गई है और ये हमारे पास दूसरे ऑर्बिटल सेटेलाइट की स्पीड आ गई है। दोनों की रेशियोज ले लेंगे, v1:v2 ये कट जाएगा तो 1:1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन ए, रेशियो जो ऑर्बिटल स्पीड सेटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड की होगी वो 1:1 होगी। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा जी, बड़ी याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती, चाहे आप डेंसर से रेयर मीडियम में जाएं, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएं। ठीक है, जिस चीज में चेंज आती है वो स्पीड और वेवलेंथ में होती है। हाँ, अब ये देखना पड़ेगा आपको कि डेंसर से रेयर में स्पीड कम होती है तो वेवलेंथ बढ़ रही होगी और वाइस वर्सा। दोबारा ये बात हमेशा याद रखनी है कि आप चाहे रेयर से डेंसर जाएं, डेंसर से रेयर जाएं, फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा जो है वो सेम रहती है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल द डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज। ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर की उसने पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए रिलेशन पूछी हमसे। एक तो ये है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है या कांस्टेंट रहती है, या एक और ऑप्शन गिवन है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो सी इंटू म्यू नॉट डिवाइड बाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ये सी क्यूरी टेम्परेचर होता है, क्यूरी कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो म्यू नॉट आ जाएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू टी बाई
सी और म्यू नॉट हमें पता है 4.2 × 10⁻¹ होता है, और टी तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो मतलब ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की रिलेशन क्या आ गई, 1/T आ गई, तो ये टाइम्स टेम्परेचर के साथ जो है इनवर्स रिलेशन होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, तो ऑप्शन सी जो है वो बेसिकली हमारे पास राइट आंसर है, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स आर ज्वाइंट बाय अ कंडक्शन वायर, दो कंडक्टिंग अगर स्फीयर्स हैं और चार्ज भी हैं, अगर उन्हें हम एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें तो क्या होगा, ऑप्शन गिवन है, कुछ नहीं होगा, कुछ कंजर्व नहीं होगा, एनर्जी कंजर्व होगी सिर्फ, सिर्फ चार्ज कंजर्व होगा या एनर्जी और चार्ज दोनों कंजर्व होंगे, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है कि सिर्फ चार्ज जो है वो कंजर्व होगा। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको दिए, जब दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स को हम कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं तो क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और कुछ वर्क जो है वो होता है इस प्रोसेस में, तो एनर्जी जो है वो तो हमारे पास कंजर्व नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि वर्क हो रहा है, और कुछ एनर्जी जो है हमारे पास वो या गेन होती है या लॉस होती है जब चार्जेस फ्लो करते हैं, तो क्योंकि हमारे पास तो कोई हमने सफीर के साथ सेल नहीं कनेक्ट किया हुआ, लिहाजा हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा, तो टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है जब हम दो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर्स को एक कंडक्शन वायर से जोड़ देते हैं, तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, थर्मिस्टर इज यूज है, थर्मिस्टर को हम किस लिए यूज करते हैं, टेम्परेचर सेंसर के तौर पर, प्रेशर सेंसर, करंट सेंसर, वॉल्यूम सेंसर, यही आपकी सेकेंड ईयर की बुक में भी थर्मिस्टर का टॉपिक है, तो ये हम बेसिकली टेम्परेचर सेंसर के तौर पे जो है थर्मिस्टर को यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अ गर्ल सिट्स नियर द एज ऑफ अ रोटेटिंग सर्कुलर प्लेटफॉर्म, इफ द गर्ल मूव्स फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ प्लेटफॉर्म देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म विल, ऑप्शन गिवन है, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन सेम, बिकम जीरो, तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कि जो एंगुलर वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की वो इंक्रीज करती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है कि ठीक है पढ़ देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज मैक्सिमम व्हेन द गर्ल इज एट सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2π r, ठीक है, जब सर्कमफ्रेंस पे गर्ल होगी तो तब क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो प्लेटफॉर्म का वो मैक्सिमम होगा, और जब वो सेंटर ऑफ की तरफ मूव करेगी तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डिक्रीज करेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब डिक्रीज करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो प्लेटफॉर्म की वो बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये हमें एक प्रिंसिपल पता है, I1 ω1 = I2, तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो है प्लेटफॉर्म की वो बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब कम हो रहा होगा, तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रांसमिट्स फ्रॉम 1.3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू 1.2 इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नो इफेक्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है उससे ट्रांसमिट होगी 1.2 मीडियम में, तो ये बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसकी लॉजिक आप एन इक्वल टू सी बाई वी, v इक्वल टू सी बाई एन से बना सकते हैं, सी कांस्टेंट होता है सबके लिए और एन रिफ्रैक्ट इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो फिर वहां से आप देख लो कि स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उस हिसाब से इसने अवे बेंड होना है या टुवर्ड्स, और इसका खैर इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है कि ये बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 13 है, द वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ इन डीसी मोटर इज मैक्सिमम, जो हमारे पास डीसी मोटर होती है उसमें बैक ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब कोई लोड ना हो, फुल लोड हो, हाफ लोड हो या कुछ भी नहीं, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बैक ईएमएफ डीसी मोटर में तब मैक्सिमम होती है जब हमारे पास कोई लोड ना हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, द एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम नियॉन लेजर इज, जो एनर्जी लेवल होता है हीलियम नियॉन लेजर का वो 3 लेवल होता है, 4 लेवल होता है, 5 होता है, 6 होता है, तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4, जो हीलियम नियॉन लेजर का एनर्जी लेवल है वो 4 होता है, तो ये बेसिकली जो है पेपर था एएम केमिस्ट्री का,
और आपने इस पेपर को गौर से देखना है, सॉरी AM फिजिक्स का, और ये उसका पार्ट टू हमने डिस्कस किया है, और इसके पहले 5 क्वेश्चन मैंने आपके साथ पहली वीडियो में शेयर किए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।